Hello friends, today we are going to start with a new topic, that is chapter number 8, Public Finance in India. ये chapter बहुत interesting है, तुम्हें बहुत सारी information मिलेगी ये chapter से. ये chapter के अंदर हम लोग government को detail में समझेंगे कि government का role क्या होता है economy के अंदर. हम समझेंगे कि government क्या कर सकता है और उनके हाथ में क्या क्या powers है. ऐसी बहुत सारी information हमें ये chapter से मिलेगी. So let's start with the chapter. स्टूडेंट्स, जब भी हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि हम चाहते हैं कि हमें प्रोटेक्शन मिले बाहर की दूसरी सोसाइटी से. हम चाहते हैं कि हमारे देश में या हमारे अंदर भी डेवलपमेंट आए, पॉवर्टी जैसे प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में ना रहे, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए. ये सारे काम के लिए तुम सब लोग मिलकर एक इंस्टीट्यूशन डेवलप करते. सो एक फॉर्मल या फिर एक इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन डेवलप किया जाता है पीपल से, कोई भी एक रीजन के. और वो पीपल इस तरह के इंस्टीट्यूशन इसलिए डेवलप करते हैं बिकॉज दे वांट प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स. दे वांट प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन का मतलब, आज कोई प्रॉपर्टी है जो तुम्हारी है तो तुम नहीं चाहते कि कोई रातों रात आकर वो प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले और तुम कुछ ना कर सको. कुछ लॉज होने चाहिए जो तुम्हें सेफ करे या तुम्हें सिक्योर करे कि भाई जो चीज़ तुम्हारी है वो तुम्हारी रहे. इस तरह के लॉज की ज़रूरत होती है. सो हम चाहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक. हम चाहते हैं प्रोटेक्शन कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज हमारी रहे. लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन चाहते हैं हम लोग. हम हेल्थ एजुकेशन जैसी चीज़ें सोसाइटी के अंदर चाहते हैं. हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं. ये सारे काम के लिए और ऐसे बहुत सारे काम के लिए हम क्या नोटिस करते हैं कि हम एक इंस्टीट्यूशन डेवलप करते हैं. और ये इंस्टीट्यूशन, जो फॉर्मल बोलो या इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, और कुछ नहीं होता, हम बोलते हैं उसको गवर्नमेंट. गवर्नमेंट काफ़ी लोग को लगता है कि इंसान इंसान नहीं है. गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन जिसको कुछ काम दिया जाता है और उसे वो काम करना होता है. देखो, हम रेगुलर लाइफ के जो काम होते हैं वो अपने आप कर सकते, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते. और तुम क्या नोटिस करते हो कि वो काम सिर्फ तुम्हें नहीं चाहिए, सोसाइटी के दूसरे लोगों को भी ऐसी चीज़ें चाहिए. आज सेफ्टी और प्रोटेक्शन दूसरे लोगों से, मीन्स दूसरी सोसाइटी से, सिर्फ एक जन को चाहिए कि सोसाइटी में सारे लोगों को चाहिए? सारे लोगों को चाहिए. तो मिलकर सब लोग एक इंस्टीट्यूशन डेवलप करते हैं और ये इंस्टीट्यूशन हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. ये काम है गवर्नमेंट का. सो गवर्नमेंट और कुछ नहीं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है. और ये इंस्टीट्यूशन हमें इस तरह के सारे फैसिलिटीज़ या सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ये उसका काम है, दैट इज़ रोल एंड फंक्शन. अभी ये काम को ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें क्या देखने मिलेगा कि गवर्नमेंट का एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्शन का काम, प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन का काम, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम कंपलसरी है. मतलब तुम कोई भी गवर्नमेंट को देखोगे, पहले गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है और ये कंपलसरी उनको प्रोवाइड करना ही है. ये काम जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है और कंपलसरी वे पे देना ही है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट के ऑब्लिगेटरी फंक्शन. ऑब्लिगेटरी फंक्शन मतलब गवर्नमेंट का ये कंपल्शन कि उसे ये सारी चीज़ें तो प्रोवाइड करनी है और ये सब काम तो करने ही है. इसके अलावा वो और काम कर सकते हैं, जैसे कि ये सब कंप्लीट हो जाए देन दे कैन गो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन, देन दे कैन गो फॉर एम्प्लॉयमेंट. और उसके अलावा दूसरी चीज़, बाकी सब काम ऑप्शनल है, वो बाद में होंगे तो भी चलेंगे, दैट इज ऑप्शनल, बट पहले ये तीन काम होने जरूरी. सो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस गवर्नमेंट के वो फंक्शंस है जिसके लिए गवर्नमेंट बनाया गया और जिसके लिए इस तरह का एक इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ. ये उनका काम है जो उनको करना ही है. लेकिन ये काम करने के साथ साथ करंट जनरेशन के लोगों के गवर्नमेंट से थोड़े और एक्सपेक्टेशंस क्रिएट होने लगे कि गवर्नमेंट हमें एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट हमें हेल्थ एंड एजुकेशन भी प्रोवाइड करे और दूसरी चीज़ें भी प्रोवाइड करे. तो ये एक्सपेक्टेशन डेवलप होने के कारण गवर्नमेंट का जो मेन काम था उसके अलावा भी गवर्नमेंट दूसरा काम करने लगा. लेकिन वो काम गवर्नमेंट का स्पेसिफिक काम नहीं है, ऑप्शनल. वो टाइम के साथ थोड़ा डेवलप होगा, चलेगा, लेकिन ये तीन पहले डेवलप होने ज़रूरी है. सो मैंने तुम्हें बताया गवर्नमेंट का मीनिंग, एक इंस्टीट्यूशन जिसका काम क्या है. और अगर ये काम को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दो तरह के काम मिलेंगे, एक ऑब्लिगेटरी फंक्शन एंड अनदर इज ऑप्शनल फंक्शन.
अभी ये काम करने के लिए गवर्नमेंट को क्या लगेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, बिकॉज तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। आज सेफ्टी सिक्योरिटी देने के लिए पूरा डिफेंस सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स आएगा, इन सबको बट ऑब्वियस है पैसे देने पड़ेंगे, खर्चे करने पड़ेंगे, तभी ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी। लॉ एंड ऑर्डर को डेवलप करने के लिए लॉज बनाने पड़ेंगे, कोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, और इन सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा, और ये खर्चे करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, हमसे पैसे लेता है। सो गवर्नमेंट पब्लिक से पैसे लेता है इन अ फॉर्म ऑफ अ रेवेन्यू, और हम उसका स्टडी करते हैं, और ये रेवेन्यू जो गवर्नमेंट ले रहा है वही वंस अगेन पब्लिक पे स्पेंड किया जाता है, ताकि पब्लिक को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए। तो इसमें तुम क्या देख रहे हो कि ये सब काम करने के लिए गवर्नमेंट पैसों को फाइनेंस करा रहा है, और ये फाइनेंस कहाँ से हो रहा है, पब्लिक से। इसीलिए ये टॉपिक का नाम पड़ जाता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक का मतलब और कुछ नहीं है, कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल लिविंग विद इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, एक एरिया में रहने वाले लोग, एक ग्रुप, ये कलेक्टिव ग्रुप जो होगा ना उसको हम पब्लिक बोलते हैं, और ये ग्रुप को सर्टेन चीज़ें चाहिए जिसके लिए ग्रुप ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, और ये इंस्टीट्यूशन अपने खर्चे के लिए उन्हीं से पैसा फाइनेंस करा रहा है, नाम पड़ गया पब्लिक फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब सिंपली मनी, हम सिंपल लेवल पे फाइनेंस का मतलब क्या बोलते हैं, पैसा। सो खर्चे करने पड़ेंगे और उसके लिए फाइनेंस कराया गया पब्लिक से, इसके लिए नाम पड़ गया पब्लिक फाइनेंस। और एक चीज़, ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सिर्फ कंट्री लेवल पे सेटअप नहीं होते। जब भी हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल लिविंग विद इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, तो आज टेरिटरी वाइज बिहार भी एक स्टेट है, महाराष्ट्र भी एक स्टेट है, तो उनके खुद के भी गवर्नमेंट्स होते हैं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वो जो पूरे नेशन को ये सारा काम प्रोवाइड करेगा। फिर उसके अंदर स्टेट्स होते, तो स्टेट के भी खुद के कुछ पर्सनल लेवल पे काम होते, बिकॉज सारे स्टेट सेम नहीं होते। आज अगर हम लोग बोलते हैं बिहार उत्तर प्रदेश और उसको कंपेयर करते हैं गुजरात महाराष्ट्र, तो तुम देखोगे थोड़ा डेवलपमेंट का फैक्टर अलग है। तो तुम जो महाराष्ट्र को दे रहे हो वो सेम चीज़ तुम बिहार को नहीं दे सकते, बिहार को अलग तरह का डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट। तो वो सारे डेवलपमेंट के लिए बिहार स्टेट डेवलप होता है, बिहार की खुद की एक गवर्नमेंट डेवलप होती है जो उनके लोगों के ये काम करते रहते हैं। उसमें भी सिटीज़ होती है जो अलग अलग लेवल के डेवलपमेंट पे होती है, वहाँ पर होता है लोकल। तो ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ सेंट्रल लेवल पे काम करता है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं। ये इंस्टीट्यूशन सेंट्रल लेवल पे काम करता है, स्टेट लेवल पे काम करता है, एज वेल एज लोकल लेवल पे भी काम करता है। और सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम अपने लोकल काम के प्रॉब्लम्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं। ये चीज़ हम इंडिया में बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। आज जब भी कुछ भी हो जाता है लोकल लेवल पे, जैसे रोड बराबर नहीं है, या वाटर सप्लाई आ नहीं रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बराबर नहीं है, तो हम डायरेक्टली ब्लेम किसको देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर बैठा है या फिर जो प्रेसिडेंट बैठा है वो कुछ कर नहीं रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि वो मेरा काम ही नहीं है, मेरा काम सब स्टेट को प्रोटेक्शन देने का है, तुम्हारे इंटरनल रोड्स जो बन रहे हैं वो लोकल गवर्नमेंट का काम, तुम लोकल गवर्नमेंट को जाके बताओ ये बात। आज मैं तुम्हें बता दूँ थोड़ा क्लैरिटी कि किस तरह काम करता है गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी में। जो बड़े बड़े नेशनल हाईवे होते हैं ना, जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करते हैं, वो काम सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी लेता है, क्या बोलते हैं, जितना भी नेशनल हाईवे होगा वो सब मेरा काम है, मैं डेवलप करके दूंगा। बट जो स्टेट के अंदर के हाईवे, वो काम सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट का। हमें स्टेट गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ता है कि आपका काम बराबर, और जो सिटी के अंदर के रोड्स है वो काम लोकल गवर्नमेंट का, तो वो लोकल गवर्नमेंट को जाके बताना होता है। तुम अगर हमारे मतलब अपनी बिल्डिंग के नीचे के रोड को खराब है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ही नहीं। काम देश के अंदर डिवाइड हो चुका है पहले से, तो जो जिसका काम है वो उतना ही करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते, और लोकल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। इस तरह का सिस्टम एजुकेशन का ले लो, सेंट्रल लेवल पे CBSE, स्टेट लेवल पे स्टेट बोर्ड्स हैं,
उधर भी तुम्हें यही देखने मिलेगा। हॉस्पिटल्स में भी दो सेगमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स अलग होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल अलग होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स अलग होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट के पीपल ने पैसे दे के बनाए और वहाँ के लोगों ने उसको क्रिएट किया। अभी हम लोग कंपेयर करते हैं, अरे ये डिस्ट्रिक्ट में देखो इतनी अच्छी हॉस्पिटल है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं दे रहा है। पहली बात, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका पैसा देगा ही, और दूसरी बात, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को क्रिएट करने के लिए तुम्हें डिस्ट्रिक्ट के मतलब वो लोकल लेवल के गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना होता है और तुम्हें खुद को कंट्रीब्यूट करना होता है। अभी पीपल का मेंटालिटी कैसा होता है कि हम टैक्स नहीं दे पाएंगे लेकिन हमें ये एमिनिटीज दो, लेकिन कुछ चीज़ें गट डेवलप करनी है, देन देयर शुड बी कोऑपरेशन फ्रॉम बोथ द साइड, इट शुड बी फ्रॉम पीपल, इट शुड बी गवर्नमेंट। क्योंकि काफ़ी बार गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं करती लोकल लेवल की, और काफ़ी बार पीपल कोऑपरेट नहीं करते, और ये दोनों के कोऑपरेशन न होने के कारण सिस्टम बिगड़ता है। इट इज़ नॉट वन साइड। सो थोड़ा बहुत मैंने तुम्हें इंडिया का एक ओवरव्यू दे दिया कि किस तरह काम करता है। मैंने तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बताया गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट हम क्रिएट क्यों करते हैं, उसके काम को किस तरह डिवाइड किया है, गवर्नमेंट अपने काम करने के लिए पैसों को फाइनेंस करता है पब्लिक से, और ये चीज़ें को बोला जाता है पब्लिक फाइनेंस, और इसी को हम इंडिया के लेवल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ समझ के चलना, गवर्नमेंट के पास कहीं से और से पैसा नहीं आता। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ चीज़ें डेवलप हो तो वो हमसे ही पैसे ले, हमें ही पैसा देना पड़ेगा तो वो चीज़ें बनती। अगर हम पैसा देने के लिए रेडी नहीं है तो फिर वो चीज़ें बनने वाली भी नहीं। सो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, एक इल्यूजन है कि गवर्नमेंट पैसा छाप सकता है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट पैसा प्रिंट नहीं कर सकता, और वो पैसा प्रिंट करके कॉमन मैन को दे भी नहीं सकता। इट इज़ नॉट लाइक दैट, जो हमें लगता है, असली में ऐसा नहीं होता। पैसे को प्रिंट करेगा गवर्नमेंट RBI से, और सिस्टम में लाएगा तो महंगाई आएगी जिसमें हम और गरीब हो जाएंगे। तो जब भी कोई भी चीज़ें बनेगी उसके लिए हमें अपने जेब से पैसे देने पड़ेंगे। अगर हमें अपने बिल्डिंग के बाहर के रोड को भी ठीक करना है तो उसके पैसे हमसे ही जाएंगे, ऐसे नहीं तो वैसे, पर जाएंगे ज़रूर। सो मैंने तुम्हें एक सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि पब्लिक फाइनेंस क्या है, और पब्लिक फाइनेंस हम इंडिया में पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग पब्लिक फाइनेंस का एक डेफिनेशन है वो क्लियर करते हैं, ह्यूग डाल्टन का, उसके बाद सेकंड डेफिनेशन को देखेंगे। पर पहले हम लोग ह्यूग डाल्टन का फर्स्ट डेफिनेशन समझ लेते हैं पब्लिक फाइनेंस का।